जुग जुग जिया हो ललनवा ये एक पारंपरिक गाना है, सोहर है बेसिकली। ये सोहर जो भोजपुरी में गाई जाती है जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे की उम्र लंबी हो, बच्चा स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, तरक्की करे, इसके लिए सोहर गाया जाता है, एक मांगलिक। तो वो जुग जुग जिया हो ललनवा जो पता नहीं हमारे दादा उनके दादा के ज़माने से चलता रहा, इतना पुराना ट्रेडिशन है हमारा। हम भोजपुरी में उस पुराने मूल्यों को, पुराने संस्कारों को वापस इस फिल्म के माध्यम से लेके आ रहे हैं। जुग जुग जिया हो ललनवा नाम ही बताता है कि एक बाप माँ और उसके बच्चे, इनके बीच की कहानी है ये फिल्म। बताएगी बेसिकली रिश्तों का मूल्य क्या है, और रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बन जाते हैं, रिश्ते सिर्फ ब्लड से ही नहीं होते हैं, कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जो दिल से बनते हैं, और वो शायद रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं। तो मेरी फिल्म इस पर फोकस्ड होगी, इंटरटेनिंग फिल्म होगी, लेकिन अपने कल्चर को लेके ये पूरी तरह से उसको बेस्ड करके ये फिल्म हम दिखाएंगे लोग। और वो टाइटल और आपकी फिल्म की टाइटल में, और दोनों साथ राइटर आप ही हैं, जी है या अलग है क्या है? नहीं नहीं, उसके मेकर अलग है, उसके प्रोड्यूसर अलग है। अभी तो खुल के बताया क्योंकि कहीं कहीं उस फिल्म का अनाउंसमेंट और आज उसी फिल्म का ये शूटिंग हो रही है। नहीं नहीं, वही फिल्म का नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं था। एक पिक्चर का मुहूर्त हुआ था, मैं ही राइटर हूँ, जुग जुग जिया हो ललनवा टाइटल था, चिंटू पांडे हीरो थे, प्रदीप भैया प्रोड्यूसर थे, लेकिन चूंकि टाइटल उनके पास नहीं था, टाइटल हमारे जो प्रोड्यूसर है या हमारे जो डायरेक्टर है, टाइटल इनके पास था। और जब सब्जेक्ट ये डिजाइन हुआ तो लगा कि नहीं, इस टाइटल के लिए इससे बेहतर कहानी अभी नहीं हो सकती है, तो ऑलरेडी टाइटल इनके पास तो अभी बनाइए। अब प्रदीप भैया को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि भैया आपका कुछ और टाइटल देखते हैं, आपके लिए कुछ और वर्कआउट करेंगे। इस पर आप कुछ खुलासा करना चाहेंगे? नहीं, बस यही है कि मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि एक इस टाइटल से मुहूर्त हो चुका है, तो चूंकि हमारी कहानी की शुरुआत पहले हो चुकी है और हमारा म्यूजिक बन चुका है उसी बेस पर, और हम लोग शूटिंग पे आगे बढ़ चुके हैं, वो हमारे सीनियर मेकर्स हैं, तो उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी कहानी के हिसाब से कुछ और टाइटल रख लें, और हम लोग चूंकि बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो हम लोगों के लिए पलट कर वापस जा पाना मुश्किल होगा, तो उनके लिए भी शुभकामना है, और हम चाहेंगे कि हमारी फिल्म भी अच्छे से बने। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि ये कोई उलझने या जीरा का मुद्दा नहीं है, वो भी एक स्वस्थ मनोरंजक फिल्म बनाएं, हम भी एक स्वस्थ मनोरंजक फिल्म बनाएं। और चूंकि हम गाने की रिकॉर्डिंग वगैरह काफ़ी कुछ कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ कहीं ना कहीं त्रुटि ये हुई कि उनको भी चेक कर लेना चाहिए था ये टाइटल अवेलेबल है या नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं। अब तो हम कुछ कर नहीं सकते चूंकि टाइटल हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, हमारी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है, तो फिर भी हम उनको अपनी ओर से शुभकामना देते हैं, वो अच्छी फिल्म बनाए, हम भी अच्छी फिल्म बनाए। भैया की शुभकामना के बारे में, बहुत अच्छी जा रही है, फुल पारिवारिक फिल्म है, सिनेमा को चाहिए था कि सिनेमा ऐसा नहीं बनता है, अच्छी बात है। जैसा राकेश जी ने कहा कि एक शुरुआत है, अब नए नए इस दौर में जो है नई फिल्मों का प्रयोग होने लगा है, तो ये एक अच्छी बात है, और हम भी चाहेंगे कि उसी प्रयोग में एक प्रयोग हमारा भी शामिल हो, और एक स्वस्थ मनोरंजक और पारिवारिक फिल्म हम भी लेकर आगे सामने आ सकें। देखिए, ऐसा है कि जिस आपका ये स्क्रिप्ट है और राकेश भैया ने लिखा, राकेश भैया ने मेरे लिए काफ़ी फिल्में लिखी हैं, और कोशिश यही है कि हम लोग एक अच्छी स्वस्थ सिनेमा बनाएं, और जिस सिनेमा के लिए मैं जाना जाता हूं, मैं वैसे सिनेमा करना ही पसंद करता हूं, वैसे ही सिनेमा कर रहा हूं। ये वाकई में पारिवारिक सिनेमा है, और आप लोगों को बहुत मज़ा आए, रोहन लोग इस सिनेमा के बहुत इन्जॉय करब, ज़्यादा समय ना ले, बस इतना कहब कि आप लोग हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि मीडिया का हमारे लिए प्यार बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये अच्छी सिनेमा बन रही है, भोजपुरी की बहुत ही अच्छी सिनेमा बन रही है, जुग जुग जिया हो ललनवा। बस मैं इतना ही कहूँगा कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्रोड्यूसर का, मेरे डायरेक्टर का, मेरे राइटर सर का, कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना, और बहुत अच्छे शेड है, बहुत अच्छा काम करने लायक है, मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्क्रिप्ट है ये जुग जुग जिया हो ललनवा। ये स्क्रिप्ट करने के बाद मुझे एक कलाकार को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, कोई भी काम करता है तो ये स्क्रिप्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुशी हो रही है कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। म्यूज़िक के बारे में क्या?